ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, और अगर ये आ गया कि आप बालाघाट में थे तो दो मुकदमे लगेंगे आपके सर, पहला कंटेम्प्ट और दूसरा धारा 14। सर आप कुछ भी एक्सप्लेन कीजिए, समझते हैं हम लोग भी सर। अब तो हो गया सर, अब तो या तो ये बचेंगे नहीं तो दो मुकदमे और तैयार होके जाएंगे। एक माह तो जजमेंट हम ही नहीं देना है, झूठे एफिडेविट यहाँ पे देने से, अभी सिग्नेचर वाली बात नहीं कर रहा, एफिडेविट है 21 तारीख से जबलपुर आ गए हैं, तो ये तो जाएंगे जाएंगे, इरफान जी भी जाएंगे। ये रहता है ना, अरे दे दो, कौन देख रहा है, आप देख रहे हैं सर। हाँ हाँ, अरे दे दो यार, कौन देखता है, ऐसा नहीं है सर, हम तो देखते हैं, क्योंकि पक्षकारों को कोर्ट का मजाक बनाने का अधिकार हम नहीं दे सकते, कोर्ट के सामने झूठ बोलने का अधिकार हम नहीं दे सकते। जी कुरैशी जी, कौन से सिग्नेचर सही है आपके? जो आपने कमिश्नर साहब की अपील पेश की थी वो सिग्नेचर सही है कि जो यहाँ की है वो सही है? सही है, अभी नहीं, जो एक हलफनामा आपने यहाँ पर भी पेश किया है वो सिग्नेचर सही है कि जो आपने कमिश्नर साहब के वकील साहब ने आपसे दो चार जगह पे दस्तखत करा लिए? कौन कौन से वकील साहब ने? मनीष राम साहब, ये दस्तखत आपकी है कि नहीं है? अभी जो हलफनामा पेश हुआ है ये हलफनामा और वो सिग्नेचर जो है वो अंतर दिख रहा है। ये जी वाले किसके लिए? आपका है, कमिश्नर वाला भी है, दिखा दो। कमिश्नर वाला किसका? ये मेरे नहीं है सर। आपके नहीं हो? आप उस समय कहाँ थे? तो फिर कब वकील साहब के पास फिर आप क्यों नहीं गए दस्तखत करने? कहाँ दस्तखत ले लिए थे आपसे? आप तो खुद कह रहे हैं कि वो हलफनामा पे आपके दस्तखत कागज में ले लिए थे सर। खाली कागज पे भी लिए होंगे तो आपके होने चाहिए थे ना, वो नहीं है क्या? नहीं है आप? कुरैशी जी, अभी आप ईमानदारी से बता दीजिए, झूठ बोलेंगे नए मुकदमे तो तैयार हो ही रहे हैं, आपने ये हलफनामा दिया है कि जिस तारीख को आपके खिलाफ जिला बदर का आदेश हो गया, मतलब 20/10/2023, तब से आप बालाघाट से बाहर हैं, परंतु आपने ये हलफनामा में सारा एड्रेस बालाघाट का दे रहे हो। ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी पुलिस सब वेरीफाई कर लेगी, राइट? और अगर ये आ गया कि आप बालाघाट में थे तो दो मुकदमे लगेंगे आपके सर, पहला कंटेम्प्ट और आपने मोहम्मद इरफान को भी फंसा लिया है झूठ बोल के अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो, और दूसरा धारा 14। ठीक है, आखिरी मौका दिया था आपने, कह दिया कि आप बालाघाट में नहीं थे और जबलपुर में ही थे, अब हम पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देगी, राइट जी। 16146/2024 पुलिस इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड The petitioner has filed an affidavit of himself and one Muhammad Irfan and claimed that after the order of estrangement was passed, that is on 20/10/2023, the petitioner had removed himself from Balaghat, Varasuni as well as Balaghat and had shifted to Jabalpur. Even Muhammad Irfan has also given an affidavit that
फ्रॉम 21-10-2023 हिज मैटरनल अंकल इज स्टेइंग इन हिज हाउस. On comparison of the signatures, next, on comparison of signatures of the petitioner, which are available on the affidavit filed alone, filed before this court, or might appear that there are basic distinctions. Therefore, the counsel for the petitioner was requested to verify as to whether the petitioner had signed the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur or not. Because if petitioner was at Jabalpur on the date of filing of appeal before Commissioner Jabalpur, then they said affidavit should have contained the signatures of the petitioner. Accordingly, the counsel for petitioner paid for a passover for the system. After some time, the counsel for petitioner appeared with the petitioner and submitted that he is present in the court for the system. The petitioner was directed to point out as to whether the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur bears his signatures or not. After looking at the documents, it was submitted by the petitioner that the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur does not bear his signatures. Whereas this affidavit which has been filed before this court bears his signatures. Let's stop. In view of the categorical statement made by the petitioner that the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur does not bear his signatures, it is clear that the petitioner was not at Jabalpur. Otherwise, affidavit. Police system. Furthermore, the petitioner has disclosed his mobile number as 89-59-74-27-38. Accordingly, the Superintendent of Police Jabalpur is directed to, Superintendent of Police Balaghat is directed to send the admitted signatures of the petitioner for comparison with the signatures of the petitioner on the affidavit which was filed before the Commissioner Jabalpur, as well as the signatures on the affidavits which have been filed before this court. To the handwriting expert to find out as to whether all the documents contain the signatures of the petitioner or the affidavit filed before the Commissioner or the affidavit filed before this court bear his forged signatures. Number two. If it is found that the affidavit which was filed before Commissioner Jabalpur bears the forged signature of the petitioner, then this court may think of issuing notice to Shri Kya Konthip Mishram Ji ka kya naam hai? Manish Mishram, advocate. Next, the Superintendent of Police Balaghat is also directed to take out the CDR of mobile number 89-59-74-27-38 to find out that what was the location of the petitioner from 21-10-23 till today. Let the report be filed within a period of 1 month from today. Police system. If required, the Superintendent of Police Balaghat may make a request to the Registrar Judicial for taking photographs from the record of this writ petition. Photograph of the disputed signatures from the record of this writ petition. Police system. List this case on 20th of August 2024. Sure. Peace.
सिग्नेचर तो सामने कहा है तो उसकी गाली सर मुझे वो सिग्नेचर सही दिख रहे हैं, मुझे वो सिग्नेचर सही दिख रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई वेरी क्लियरली, मैं इसलिए कुछ नहीं बोला हूँ, यस सर मैं इसलिए कुछ नहीं बोला हूँ, मुझे कमिश्नर वाले सिग्नेचर सही दिख रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई यू वेरी क्लियरली, इनके एडमिशन के बावजूद भी मैंने कंपैरिजन के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि इनके एडमिशन के बाद वेदर आई वाज रिक्वायर्ड टू सेंड इट फॉर कंपैरिजन, ये सिग्नेचर जो इन्होंने अभी किए हैं मेरे हिसाब से कमिश्नर वाले सिग्नेचर से टैली कर, मुझे नहीं मालूम सर मैं क्यों विटनेस बनूं बाय गिविंग माय फाइंडिंग्स। तो आपको पता नहीं हैरानी हुई कि नहीं हुई कि जब इनका एडमिशन है उसके बावजूद भी हम कंपैरिजन के लिए क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे ही जजमेंट है 73 एविडेंस एक्ट की लाइट में कोर्ट को विटनेस नहीं बनना चाहिए। कारण क्या है कि हमने फाइंडिंग दे दी कि ये सिग्नेचर उसके हैं तो आपको क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट आएगी तो आपको मौका मिलता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि यस द कोर्ट्स हैव अ ज्यूरिसडिक्शन बट इट शुड बी एक्सरसाइज ओनली इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस वेयर नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट। कोई बात नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि जो कमिश्नर वाले सिग्नेचर वो सही है, तो मैंने फिर इसीलिए कह दिया, इसलिए कुछ नहीं बोला हमने। अब आप ही उसको इन्वाइट कर रहे तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे वो सही लग रहा है। क्या पता, क्या पता सर, ये सज्जन वाराणसी में वारा सिवनी में, अरे कागज बोल रहे हैं सर, हम लोग कागज पढ़ने के आदि हैं, कागज बोल रहे हैं कि ये सज्जन वारा सिवनी से बाहर नहीं निकले, राइट। पॉसिबल कि बंदे ने जिस सारे को एफिडेविट फाइल किया और अभी भी प्रेजेंट हो गए, यानी हॉनरेबल कोर्ट, मुझे नहीं मालूम सर ये कैसे प्रेजेंट हो गए, अगर मुझे नहीं मालूम है सर। हां ना होते तो भाई साहब जिस दिन मैं ऑर्डर करता हूँ ना अपनी लोकेशन बताइए तब से ये लोग सही हो जाते हैं। नरसिंहपुर में एसपी कहता है कि ये तो उसी दिन से गायब हो गया था, जब सारे इंक्वायरी कराई पता चला जिस दिन मेरा ऑर्डर हुआ था उस दिन बाहर गया था। तो एक साथ से पहले ये कहां पर थे, ये कागज बता रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है, पर रामा फेसाई मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये वारा सिवनी नहीं थे, ये शायद कुछ भी बोले, और एक साथ के बाद ये जबलपुर आए। इसलिए अब आप मत बताइए कि सर आज ये कैसे हो सकता है, तो आप ये मत बताइए हमको, राइट, क्योंकि हमारे कहने के बाद ये थाने को खबर भेज रहे हैं और थाने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, रजिस्ट्री से भेज दिया सर। आप कुछ भी एक्सप्लेन कीजिए, समझते हैं हम लोग भी सर। अब तो हो गया सर, अब तो या तो ये बचेंगे नहीं तो दो मुकदमे और तैयार होके जाएंगे, एक मगर तो जजमेंट हम ही नहीं देना है। झूठे एफिडेविट यहाँ पे देने से, अभी सिग्नेचर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एफिडेविट है 21 तारीख से जबलपुर आ गए हैं, तो ये तो जाएंगे जाएंगे, इरफान जी भी जाएंगे, ये रहता है ना अरे दे दो कौन देख रहा है, अब देख रहे हैं सर। हाँ हाँ अरे दे दो यार कौन देखता है, ऐसा नहीं है सर, हम तो देखते हैं, क्योंकि पक्षकारों को कोर्ट का मजाक बनाने का अधिकार हम नहीं दे सकते, कोर्ट के सामने झूठ बोलने का अधिकार हम नहीं दे सकते। आप लोग तो वही बोलोगे ना जो पक्षकार बोलेगा सर, आप पार्टी तो नहीं हो, जब ये आपसे कह रहे हैं कि सर मैं आ गया था तो आपको इंक्वायरी करने का तो कोई राइट भी नहीं है, तो मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पक्षकार की बात कर रहा हूँ कि अरे लिख दो यार, हाँ लिख दो यार कौन देखता है, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ सर, जो भी लिखा उसके लिए जिम्मेदार है ना, लिख दो यार कौन देखता है। तो जबलपुर ग्वालियर को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि यार लिख दो कौन देखता है, प्रिंसिपल को जल्दी छोड़ना है। चलो सर, हाँ जी हाँ जी सर, अभी रिपोर्ट आने दीजिए, किसके सिग्नेचर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला सही था, और मैं रिलाय नहीं करूंगा अपने उसके ऊपर, मेरी प्रेयर की याले सिग्नेचर को भी वेरीफाई करा लें जो ने हाई कोर्ट में फाइल किया है, वो भी है, वो भी ऑर्डर है, चिंता ना करें सर।